दिल्ली के कोने कोने से आए हुए सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए इकट्ठे हुए हैं। ऐसे रखो, दिल्ली का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि कई कई सदियों से दिल्ली अलग अलग शासकों की गुलाम रही है। आज से 500 साल पहले भी दिल्ली गुलाम थी, आज भी दिल्ली गुलाम है। पहले दिल्ली मुगलों की गुलाम थी, फिर अंग्रेजों की गुलाम थी, और आज दिल्ली एलजी साहब की गुलाम है। आज आप सब लोग दिल्ली की और दिल्ली वालों की इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए, आंदोलन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जिस दिन दिल्ली को पूर्ण राज्य मिल जाएगा, जिस दिन दिल्ली को पूरी आजादी मिलेगी, जिस दिन दिल्ली में रहने वाले को वो सारे अधिकार मिलेंगे जो अधिकार महाराष्ट्र में, हरियाणा में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में रहने वालों को मिलते हैं, उस दिन आज का दिन याद किया जाएगा। आज आप लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। इन लोगों ने कहते हैं दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है। हमने क्या तस्वीर कर दिया जी, हम यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी के नाम पे इन लोगों ने दिल्ली वालों को जनकल्पन से वंचित रखा है। पूरे देश के अंदर 1947 में आजादी आ गई थी। 1947 में पूरे देश में जनतंत्र मतलब जनता का शासन लागू हो गया। दिल्ली के अंदर जनता का शासन लागू नहीं हुआ, दिल्ली में एलजी राज लागू हो गया। पहले अंग्रेजों का राज था, अब एलजी साहब का राज लागू हो गया। दिल्ली वालों का क्या कसूर है? पूरे देश के लोग अपनी सरकार चुनते हैं, महाराष्ट्र सरकार तो चुनोगे, लेकिन सरकार कोई भी बन जाएगी चलेगी एलजी की। ये तो गलत बात है, ये तो दिल्ली के लोगों से धोखा हो गया, दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। अभी पिछले महीने जैसा भी गोपाल राय जी ने बताया, मनीष सिसोदिया जी ने बताया, आप सब लोग जानते हैं, 4 महीने से दिल्ली के आईएएस अफसरों ने हड़ताल कर रखी थी, हड़ताल कर रखी थी, हड़ताल कर नहीं रखी थी, हड़ताल करवा रखी थी। यूनियन टेरिटरी के नाम पे तुम आईएएस अफसरों की हड़ताल करवाते हो, ये मैं कम से कम 6 बार 4 महीने में एलजी साहब से मिला।
फिर एक दिन जून के महीने में पिछले महीने मैं और मेरे साथ तीन मंत्री मनीष सिसोदिया जी, गोपाल राय जी, सतिंदर जैन जी, हम तीनों एलजी साहब से मिलने के लिए गए। एलजी साहब नहीं माने, हम उनके वेटिंग रूम में बैठ गए। नौ दिन तक वेटिंग रूम में बैठे रहे, नौ दिन तक सोफे पे बैठे रहे। एक छोटा सा कमरा था, इतना छोटा सा, उसी में हम चार लोग सोते थे, उसी में चार लोग रह रहे थे। नौ दिन तक मैं अपने बच्चों की नौकरी लगवाने नहीं गया था। मैं अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं गया था ठेके मांगने एलजी साहब से। मैं अपने बच्चों के एडमिशन कराने नहीं गया था एलजी साहब से। मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अधिकार मांगने के लिए गया था। हम राशन में फंसे।
दिल्ली की जनता चाहती है, दिल्ली की जनता चाहती है कि राशन की डोर स्टेप डिलीवरी होनी चाहिए। एलजी कहता है नहीं करने दूंगा, एलजी कहता है नहीं करने दूंगा। मैं आप लोगों से दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, दिल्ली में जनता की चलनी चाहिए कि एलजी की चलनी चाहिए? हमारे इलाके में भी बनना, जो सारे काम कर रहे हैं, पूरी दिल्ली के लोग काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया में चर्चा है इसकी, पूरी दुनिया में, अमेरिका से, लंदन से, फ्रांस से, बड़े बड़े पत्रकार आके देख रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपकी सरकार ने इतना शानदार काम करके दिखाया है कि दुनिया के छह बड़े बड़े नेता, पूरी दुनिया के छह बड़े बड़े नेता आपके दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए दिल्ली आ रहे हैं।
ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरी दिल्ली में इसका मैसेज जाए और अरविंद जी जो बोलना चाह रहे हैं उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको वायरल करें। थैंक यू।